सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। उमरिया जिले के अतरिया गांव में अचानक से स्थिति बिगड़ गई, वो भी इस कदर की भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा, जहां ग्रामीणों के साथ तीखी बहस के बाद जलाशय निर्माण का काम शुरू हो पाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 8 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। मौके पर कलेक्टर SP को भी पहुंचना पड़ा। दरअसल साल 2016 में सिंचाई विभाग ने अतरिया गांव में 12 करोड़ रुपए की लागत से जलाशय निर्माण की आधारशिला रखी थी, जिसका ग्रामीणों ने तभी से विरोध करना शुरू कर दिया था। जलाशय निर्माण में एजेंसी द्वारा नहर का काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन जलाशय निर्माण का काम 4 साल के बाद ग्रामीणों द्वारा मुआवजा लिए जाने के बाद भी लगातार विरोध करने से शुरू नहीं हो पाया। वहीं 24 नवंबर को प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से भारी पुलिस बल के साथ प्रस्तावित जलाशय निर्माण स्थल की ओर कूच किया, लेकिन ग्रामीणों ने जमीन के बदले जमीन की मांग करते हुए जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया और प्रशासन की टीम को बाहर ही रोकने का प्रयास किया, लेकिन तैयारी के साथ पहुंची टीम ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद प्रशासन की टीम निर्माण स्थल तक पहुंची और काम शुरू कराया। प्रदर्शन की संभावना के बीच भारी पुलिस बल तैनात किया गया। निर्माण स्थल पर भी पुलिस अधिकारी डेरा जमाए हैं। इसको लेकर SP प्रमोद कुमार सिन्हा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जानकारी दी। ये अतरिया जलाशय का निर्माण कार्य आज प्रारंभ हुआ है। पुलिस बल इसलिए यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, जो संभावित एक कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हमने इसमें अपने जिले की पुलिस तथा पुलिस मुख्यालय से भी हमने बल की मांग की थी और हमें बल प्रदाय किया गया है, जो पुलिस मुख्यालय से भी किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय शहडोल के द्वारा भी हमें बल प्रदाय किया गया। तो ये सब विभिन्न जिलों का और पुलिस मुख्यालय का बल लगाकर फिर हमने यहाँ पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया। अब वो एग्जैक्ट संख्या मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन लगभग 200 के आसपास का फोर्स है और हमारे पास और भी रिजर्व फोर्स भी है, अगर हम ज़रूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु वो कानून व्यवस्था की संभावित जो भी स्थितियाँ होंगी उसी के अनुरूप हम अपना बल डिप्लॉय करते रहेंगे। अच्छा, काफ़ी पुरानी योजना है जिसका निर्माण कार्य कुछ लोगों के विरोध के कारण प्रारंभ नहीं हो पा रहा था, तो इसमें आज SP साहब के सहयोग से पुलिस बल उपलब्ध हुआ, तो आज पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ कार्य प्रारंभ कराया गया है और अब ये बहुउद्देशीय जो योजना है ये जल्दी पूर्ण होगी और इससे कई गांव के लोगों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। कानूनी तौर पर जो भूअर्जन अधिनियम के तहत मुआवजा बनता है वही देने की शासन की योजना है और उसी के तहत उनका भूअर्जन किया गया है और मुआवजा निर्धारण किया जा चुका है। मात्र कुछ लोग हैं, शायद 7-8 लोग हैं जिन्होंने अभी मुआवजा प्राप्त नहीं किया है, उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जो नियम है उसी के अनुसार दिया जाएगा। भूमि के बदले भूमि देने का कोई नियम नहीं है। उमरिया से राजकुमार गौतम, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।